जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी इस बार बहुत ही सर्वसिद्ध योग लेकर आई है। कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिल रहा है। बुधवार का दिन है और गणेश चतुर्थी रवि योग और ग्रहों का गोचर भी इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस दिन किया गया उपाय आपको अन्य दिनों के मुकाबले कई गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गणेश जी का पूजन अवश्य करें और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ये वस्तु अवश्य चढ़ाएं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी और आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष हैं वो भी अवश्य ही दूर होंगे। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है और बुधवार के दिन हरी वस्तु का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन गणेश जी का पूजन तो आप अवश्य करेंगे, लेकिन अगर आप संकल्प पूर्वक गणेश जी का पूजन करते हैं, जिस भी मनोकामना के लिए अगर आप गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, तो आपको गणेश जी के सामने अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और थोड़े से अक्षत रखकर अपनी मनोकामना बोलकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके और जो भी इच्छा आप रखते हैं, चाहे संतान की हो, पुत्र की हो, नौकरी की हो या विवाह की हो, जिस भी मनोकामना के लिए आप गणेश जी का पूजन करना चाहते हैं उसको बोलकर आपको उस जल को गणेश जी के आगे अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अगर हम संकल्प करके, चाहे 11 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का संकल्प करके अगर गणेश जी का पूजन नित्य प्रति करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो 11 दिन के अंदर या बहुत ही शीघ्र आपकी पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, देखिए बुधवार का दिन होना बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन हरी वस्तु का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, तो इस दिन आप को गणेश जी का देखिए पूरे विधि विधान से, यानी अक्षत चंदन तो आपको अवश्य लगाना है, हरी दुर्वा की 11 या 21 अंकुर अवश्य अर्पित करें, साथ ही 5 इलायची और इस दिन आपको मीठे पान का भोग अवश्य गणेश जी को लगाना है। आप अपनी इच्छा अनुसार देखिए मोदक, मतलब केले का मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन मीठे पान का भोग लगाकर अगर पति पत्नी ग्रहण करते हैं तो उन दोनों में प्रेम अवश्य ही बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, आपको एक पान का या फिर आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर आपको स्वास्तिक बनाकर रोली से उसके ऊपर आपको 5 छोटी वाली जो हरी इलायची है वो रखने हैं, 7 लौंग रखनी है और आपको एक मुट्ठी जो हरी मूंग होती है, हरी मूंग की जो साबुत दाल आती है वो रखनी है और गणेश जी को अर्पित कर देना है और गणेश जी से अपनी जो भी प्रार्थना है, इच्छा है उसको बोलकर आपको गणेश जी को अर्पित कर देना है और गणेश जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर आटे का, चाहे आप मिट्टी का या पीतल का चौमुखा दीपक बना लें और गणेश जी के सामने गणेश जी के किसी भी मंत्र का एक माला का जाप अवश्य करें, गणेश जी से अपनी प्रार्थना भी अवश्य बोलें और पूजा करने के बाद जो आपने लौंग गणेश जी को चढ़ाई है उन 7 लौंग को आप जो भी वस्त्र पहनती हैं, चाहे सूट पहन रखा हो या साड़ी पहन रखा हो, उसके पल्लू में आपको अवश्य बांध लेने हैं और पूरे दिन आपको बांध के ही रखना है और शाम को या दूसरे दिन आपको वो लौंग फिर से गणेश जी को अर्पित कर देना है। देखना आपकी संतान सुख की इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इन वस्तुओं को आपको गणेश जी के सामने 11 दिन तक चढ़े रहने देना है। जितने दिन भी आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं उतने दिन तो अवश्य ही आपको मतलब रखे रहने देना है और जब गणेश जी का विसर्जन आप कर रहे हैं तो आपको इन सभी वस्तु को मतलब गणेश जी के साथ विसर्जित करना है, लेकिन जो 7 लौंग हैं वो आपको अपने पास रखने हैं। दोस्तों, आप अपनी अलमारी में या मंदिर में कहीं भी रख दें, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए जब आपको इन लौंग को विसर्जित कर देना है। दोस्तों, इस प्रकार अगर संकल्प पूर्वक अगर आप गणेश जी का पूजन करते हैं नित्य प्रति, इन 10 दिनों तक अगर आप विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं सच्चे मन से, तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों, ये आजमाया हुआ उपाय है, मैंने खुद भी इस उपाय को कर रखा है और गणेश जी ने मेरी मनोकामना पूरी करी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। तो दोस्तों, सिर्फ आपको सच्चे मन से गणेश जी का पूजन करना है, देखना आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, हरी मूंग का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है और बुधवार के दिन अगर गणेश जी को हरी मूंग अर्पित की जाए तो इससे आपकी जो इच्छा है, जो भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही है, ग्रह दोष आ रहे हैं जिसके कारण आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो अवश्य ही दूर होते हैं।
आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।